राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे सभी बाजार खुल गए हैं, लेकिन अभी भी दुकानदार खाली बैठे नजर आ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली के बड़े बड़े बाजारों में ग्राहक नहीं है। इसी सिलसिले में संवाददाता मोहम्मद इरफान सदर बाजार पहुंचे, जहां व्यापारियों ने अपनी बात रखी। सर, पहले जो ऑड एंड इवन में था तो लोगों के मन में यह था कि पूरे दिन खुल जाएगी तो काम निकल के आ जाएगा, परंतु जैसे अनलॉक पूरा खुल गया है, बाजार में सिर्फ व्यापारी ही है, कस्टमर कहीं भी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, 0% व्यापार है। अगर हम बोले खर्चा निकलना चाहिए तो खर्चा भी नहीं निकल रहा, सब ट्रांसपोर्टेशन बंद है, रेलवे बंद है, बाहर से आने वाला व्यापार ही नहीं है। सदर बाजार एक होलसेल मार्केट है, जब तक बाहर का कस्टमर नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ कस्टमर बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे समय निकालना मुश्किल हो रहा है। अभी पूरे 6 बजे हैं, मैं 4 बजे देख रहा हूँ, 7 क्यों नहीं बज रहे हैं, जिसे घर चले जाएं, चाय पी लेंगे, कितना ना कर लें, क्या करेंगे सब व्यापारी के छकल, तो फ़ोन नहीं बजा। नहीं, हमारा ऐसा होता था वर्किंग डेज के अंदर, हमारा फ़ोन नहीं रुकता था, कभी मोबाइल बज रहा है, कभी फ़ोन बज रहे हैं, कभी फ़ोन बज रहा है, ऐसा हो रहा था। और ये बहुत बुरा हाल है, हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब है, हमें सारे काम पे बहुत बैडली इफेक्टेड है। अब आगे दिख रहा है थर्ड वेव का चक्कर लग रहा, तो व्यापारी और भी नहीं आने की सोच रहा है कि शायद थर्ड वेव आ जाएगी, हमें कुछ ना हो जाए। अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट है, मार्केटों में भीड़ है, क्या व्यापारी भी आ रहा है? देखिए, व्यापारी इस समय बाहर से कम आ रहा है, इस समय ये हालात है कि 25% भी रश नहीं है। इस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, क्या अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है, या फिर जो व्यापार के व्यापारी हैं क्या अभी भी परेशान है? देखो, ये जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे अभी कोई खास फायदा नहीं हुआ है। जैसे पीछे और इवेंट था अब तो बिल्कुल भी नहीं था, अब जो इन्होंने पूरा अनलॉक किया, अभी भी कुछ इन्होंने चीज़ें अनलॉक नहीं की हैं, क्योंकि मेन सदर देखो हर चीज़ का की के कस्टमर आते हैं। अच्छा, इन्होंने अभी होटल्स नहीं खोले, पूरे रेस्टोरेंट नहीं खोले, बार्स नहीं खोली, शादियां नहीं शुरू की, तो हमारी इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। अभी इतना कस्टमर नहीं है जितना होना चाहिए, और मेरे ख्याल से अभी जो ये हालत अगर रहे तो इसको तो बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि शादियां जब तक नहीं खोलेंगे, मेरी चॉकलेट शॉप गिफ्ट की शॉप है तो कौन लेने आएगा? देखो जी, जो ये बीमारी नहीं बढ़ती, थ्री वेव जो कह रहे हैं आएगी जी, वो जो नहीं आती तो लगता है अभी ये बाजार जो है उठेगा, काम चलेगा, क्योंकि देखो पैसा लोगों के पास है नहीं इस टाइम, और जो पैसा है वो बहुत सोच समझ के लोग खर्च कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही खरीद के जो है घरों में इकट्ठी कर रहे हैं लोग जो है, जो नहीं ज़रूरी, जैसे आप देखो हमारा चूल्हे का काम है, आज हमारा चूल्हा जो लोगों ने खरीद रखा है उसको पुराने को ही वो रिपेयरिंग करा रहे हैं, कह रहे हैं यार नए को हमने अभी क्या करना है, अभी तो पैसा इकट्ठा करके रखो, अभी पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। तो आगे जो है हम तो यही कहते हैं अभी सबको ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि सबके हालात बहुत खराब है इस टाइम जो है। अगर बाजारों में तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। नहीं, बाजारों में कहाँ भीड़ है, लोग देखो देखो ऐसा है, देखो बुरा ना मानना, अभी ये मजदूर लोग जो बाहर से आए हैं, अभी कई तो आ ही रहे हैं, तो वो मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि बहुत भीड़ है। उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं, हमारे भी कुछ आ रहे हैं बंदे जो हैं, मिलते हैं जुलते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाजार बहुत रश है। लेकिन अभी देखो आप दोपहर के बाद आके देखो, बिल्कुल आप देखो इस टाइम बिल्कुल खाली पड़ा है बाजार, कस्टमर तो है ही नहीं बिल्कुल बाजार के अंदर। सर, कस्टमर ना आने का क्या कारण है? थोड़ी देखा जाए सारी दुकानें खाली है। देखो जी, कस्टमर ना आने का यही एक डर बना हुआ है लोगों को कि यार हम भीड़ भड़के में जाएंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन यही है कि हम तो देखो जी यही कहते हैं, जो भाई बाजार के अंदर देखो, बड़े बाजारों के अंदर जो अगर आप लोग नहीं आओगे, छोटे बाजारों से तो गुजारा चलने वाला है नहीं, तो यहीं पर आना तो आपको पड़ेगा ही। एक हमें मार जो मेन जो मार पड़ी है ना दुकानदारों को, ये पड़ी है कि इन्होंने ऑनलाइन जो शॉपिंग चालू रखी है ना, उसकी वजह से हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो सुना आपने कि व्यापारी बाजार खुलने के बाद भी काफी परेशान है, लोगों में कोरोना का डर बना हुआ है, जिसके चलते लोग बाजार नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते इन व्यापारियों पर अभी भी आर्थिक संकट गहरा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली।